Excuse me, Mr. Bijlani. Mr. Bijlani is... Mr. Bijlani, what are you doing? That's my couch. Mr. Bijlani, आप ऑफिस नहीं गए, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मैडम, काम. हाँ, सॉरी, मुझे गेटअप लाने में टाइम लग गया, लेकिन कैसे लग रहा हूँ मैं? गेटअप मगर क्यों? मैडम, I'm now a real spy. And a spy watches other spies. इसलिए मैंने एक घंटे में 3 spy DVD movies fast forward में देख डाली. Yes, and now I am ready to go. Madam, ready to go. Sorry, madam. निकालिए. ये है मेरा फुल प्रूफ प्लान. मैप. Yes. देखिए, ये है हमारा मेन गेट बिल्डिंग का. यहां से ठीक 8:30 बजे सर टैक्सी पकड़ते हैं. ये तो मुझे पता है, इसमें नई बात क्या है? मैडम, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ठीक 3 सिग्नल के बाद वो टैक्सी अंधेरी फ्लाईओवर के ऊपर जाती है. मिस्टर बिजलानी, स्टॉप दिस नॉनसेंस. क्या है ये सब बकवास? मैंने आपसे ईशान का पीछा करने के लिए बोला था. ये क्या मैप है? अब हम कोई मूवी बना रहे हैं जो आप ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैडम, 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 क्या कर रही हैं आप? प्लीज, आई एम सीरियस. और आप जानती हैं, इसी रास्ते पे वो टैक्सी जाती है और अंधेरी फ्लाईओवर के 4th सिग्नल के बाद हमारा ऑफिस आता है. मिस्टर बिजलानी, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस. इस गेटअप में आपको कोई भी पहचान लेगा, कोई भी शक करेगा और ईशान और अलर्ट हो जाएगा. रियली? यस. आप अभी अभी घर जाइए और नॉर्मल कपड़े पहन के ईशान के ऑफिस जाइए और उसका पीछा करिए. देखिए कि वो कहां जाता है ऑफिस जाने के बाद. आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूं? क्या? मिस्टर बिजलानी, फॉरगेट इट. मैं दूसरा डिटेक्टिव हायर कर लूंगी. यू आर फायर्ड. मैडम, 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 नो 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 नो. मैडम, मैंने बहुत पैसे खर्चा किए इस गेटअप पे. मैडम प्लीज, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कहूं. मैं ऑफिस जा रहा हूं, अब भी ऑफिस जा रहा हूं. मैडम, थैंक यू. सॉरी मैडम, लेकिन वो हैट पहन सकता हूं ना? मिस्टर बिजलानी, बकवास कर रही हो? होश में तो हो? बाबूजी, घर में पहले ही हंगामा कम है जो अब आप भी शुरू हो गए. खामोश. इंदर भैया, इलेश भैया, पापा और मोहल्ले के ना जाने कितने लोग सलीम के रोल के पीछे पड़े हैं. और दादाजी, अब आप भी शुरू हो गए. पागल हो गए ये. मैं कहती हूँ बच्चे करें सो करें, तुम क्यों पढ़ रही हो बीच में? बस बस, खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी मेरी ख्वाहिश के खिलाफ कहा तो. अरे मेरी मुमताज भाई, आज तक इस घर में मैं शाहजहां बनकर रहा है. असली शाही अंदाज जो मैं कर सकता हूँ वो इलेश, इंदर, अलोक क्या हाक करेंगे है? और मैं लगता भी हूं ना शाही किस्म का, मेरा मतलब है शाही खानदान का. सो तो है, पर बाबूजी ये सलीम का रोल है, शाहजहां का नहीं. परवा नहीं, परवा नहीं भाई, हैं तो दोनों ही मुगलिया सल्तनत के चश्म चिराग. जब जब सलीम का रोल आलोक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं सलीम बनूंगा. और सुन सुन राधा, तू ना बाहर बनना. बाबूजी. हाँ, और सुन तू ना, तू सुरैया. सुरैया? दादी बहुत सुंदर रानी थी सुरैया. बहन थी अनारकली की. हे भगवान, किस आदमी के साथ पल्ला बांध दिया मैंने. क्या? मैं जा रही हूँ, अब तुमने जो करना है सो करो. मोहल्ले वाले थू-थू करेंगे ना, कहेंगे बुढ़ो सठिया गया, तब देखना. अरे सुन, अरे क्या बात कर रही है तुम? मेरी सुनो, सही सुनो. देखो
देखो ऐसा है कि अगर मैं सलीम बनूंगा तो जाहिर है तुम अनारकली बनोगी, है ना? भाई आज तक हम इस घर में शाहजहां और मुमताज बनकर रहते आए हैं, तो अब यूं समझ लो कि हम इस घर में सलीम और अनारकली बनकर रहेंगे। अच्छा तुम्हें याद है जब हमने मुगले आजम देखी थी नगीना टाकीज में? हाँ। और महीनों तक तुम सलीम और मैं अनारकली बनके घूमते थे। साहिब आलम, खुदा के लिए मुझे जाने दो ना। ओए होए, अरे तू लगती भी तो मधुबाला जैसी थी। नहीं नहीं शर्माओ मत, अभी भी लगती हो। अब बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, हैं तो तबीयत से सलीम अनारकली। नहीं अल्फा कॉलिंग चाली। मिस्टर पिछलानी ये क्या है? मैडम मैं अल्फा हूँ, आप चाली हैं, ये हमारे कोड वर्ड है। Just shut up, मिस्टर पिछलानी, what's wrong with you? मैंने आपको वहाँ पर ईशान का पीछा करने के लिए भेजा, आप क्या वहाँ जाके डिटेक्टिव सीरियल बना रहे? मैडम मैं सर का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि सर अभी भी ऑफिस में है, बट लेट मी चेक अगेन। मैडम टारगेट स्टिल इन ऑफिस। ईशान अभी तक ऑफिस में ही है। आप जा रहे? कहाँ? आपको जाना है। कहाँ जाना है मुझे? ओ यू मीन घर। देखिए मिस्टर बिरानी आप प्लीज अकेले चले जाइए और रोज रोज ही मुझसे लिफ्ट एक्सपेक्ट मत किया कीजिए आप। नो नो सर, लिफ्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आज मैं आपके साथ जा ही नहीं सकता हूँ। आज तो आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। मिस्टर पिछलानी आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा मतलब है सर कि आप बॉस है इसलिए आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आप जा रहे? अरे मैं कहाँ जा, एक सेकंड, ये काले चश्मे क्यों पहने हुए आपने? आपको कहीं वो कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं हुआ है? अरे नहीं नहीं सर, कंजंक्टिवाइटिस है नहीं। देखिए ना सर, दूर रहिए आप, दूर रहिए सर, देखिए आंखें बिल्कुल क्लियर है, नॉट दूर सर, नॉट कंजंक्टिवाइटिस। ये चश्मा तो मैंने गेटअप के लिए लगाया। मिस्टर बिजलानी यू आर फायर्ड। मैडम मैडम मतलब सर, स्लिप ऑफ टंग सर, आप जा रहे? आप मेरे जाने के पीछे क्यों पड़े हुए कब से? अरे मुझे अभी ये फाइल फिनिश करनी है, आपको क्या छुट्टी चाहिए? आप प्लीज चले जाइए। मिस्टर बिजलानी आप कहीं मत जाइए, ईशान आपको छुट्टी देके कहीं जा सकता है, अब वहीं पर रुकिए प्लीज, और सबसे पहले अपना सनग्लास उतारिए। उतार दिया? उतार दिया? किससे बातें कर रहे हैं आप? मैं किससे बातें कर रहा हूँ? क्लाइंट से बातें कर रहा हूँ सर, क्लाइंट से। अरे तो फिर क्लाइंट से बातें कीजिए ना, मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, लेकिन आप जहां जाना चाहें आप जाइए सर, आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है सर। आप मुझे ये फाइल कंप्लीट करने नहीं देंगे? सर मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ सर, अगर मैं बोर होकर सो गया तो जाने से पहले आप मुझे जगा दीजिएगा। हाँ सर। ओके जाइए। सर आप जा रहे? गेट आउट। कुछ नहीं बोलेंगे आप, चुपचाप बाहर जाएंगे। सुहाना कश्यप, शेम ऑन यू। आई मीन जस्ट बेकार में मैंने ईशान पे डाउट कर लिया। सी ही इज इन ऑफिस, वो कहीं गया ही नहीं। ओएमजी, मैंने फालतू में मिस्टर बिजलानी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। ईशान को अगर पता चलेगा उसे कितना बैड फील होगा। नो, आई हैव टू स्टॉप दिस। मैं अभी के अभी मिस्टर बिजलानी को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो ईशान पे स्पाई करना बंद कर दें। करेक्ट, लेकिन किसी लड़की से तो बात कर रहा था ना वो, कि उसे छुटकारा चाहिए। या आई एम 100% श्योर किसी लड़की से बात कर रहा था, बट कौन थी वो लड़की और उसे छुटकारा कैसे चाहिए मुझसे? सोनाली से पूछ लेती हूँ। या वो ईशान की बेस्ट फ्रेंड है,
ईशान ने उसे जरूर बताया होगा या और अगर सोनाली को पता होता तो वो मुझे बता देती ना। नहीं बट वो क्यों बताएगी मुझे, वो तो ईशान की बेस्ट फ्रेंड है। हाउ डम। नो 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 नो, सोनाली मुझे डेफिनेटली बता देती। बताती नहीं, नहीं बता देती डेफिनेटली, सोनाली मुझे बता देती। आई एम 100% श्योर। डिस्कनेक्टेड। सर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। नेवर। चश्मे आप इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। मिस्टर बिजलानी। सर क्या हुलिया बना रखा है आपने? सर आपने पहचान लिया मुझे तो, लेकिन कैसे? मुझे लगा कि आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं। सर वो कुछ नहीं, आपने नाटक ज्वाइन कर लिया है ना? नाटक नहीं सर, का ज्वाइन कीजिए आप। नॉट अ बैड आइडिया सर। मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आप? अरे नहीं सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा था। घर तो फिर जाइए, घर घर जाइए। रुकिए, आपके लिए ऑटो मैं ही बुला देता हूँ। ऑटो ऑटो। सर मैं चले जाऊंगा सर। नहीं आप जाइए, अभी जाइए, अभी रिक्शा भी आ गया। चलिए जाइए आप, बैठिए। सर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप पहले जाइए ना, आप बॉस है सर। ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम आपसे तो पीछा छूटेगा। हटिए। बाय सर। ऑटो ऑटो रुक, पीछे करो, चलो। व्हाट इज इट? अल्फा कॉलिंग चार्ली, अल्फा कॉलिंग चार्ली। मैडम रिपोर्टिंग मैडम। व्हाट इज इट मिस्टर बिजलानी, काम की बात करिए। मैडम आपका शक सही निकला, सर का चक्कर किसी लड़की के साथ। व्हाट? यस मैडम, मैंने सर का पीछा किया। सर ऑफिस से निकले, उस लड़की से मिले, दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, दोनों ने साउथ इंडियन डिश ऑर्डर किया। सर ने मेंदू वड़ा और उस लड़की ने मैसूर मसाला डोसा। व्हाट? आर यू श्योर मिस्टर बिजलानी? यस मैडम, उस लड़की ने ये तक कहा कि मैसूर मसाला डोसा में टमाटर नहीं चाहिए। टू हेल विद योर मैसूर मसाला डोसा। Are you sure ईशान किसी लड़की के साथ है? I mean, are you sure वो लड़की कोई क्लाइंट नहीं है ईशान की, जिससे वो मिलने गया हो? 100% sure मैडम, कोई क्लाइंट का हाथ ऐसे बार-बार पकड़ता है क्या? How dare he? ईशान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो किसी लड़की के साथ मिस्टर बिजलानी, are you sure? क्योंकि अगर आपकी ये बात झूठ निकली ना, I swear I'm gonna kill you. मैडम मैं उसी रेस्टोरेंट के बाहर हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैंने दोनों के फोटोग्राफ्स खींचे हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, ओवर आउट। तो अमोल पालेकर बनके मुझे उल्लू बना रहे। क्या कर रहा है यार? भैया ये देखिए, इसे कहते हैं शाही चाल। अबे इसे शाही चाल नहीं कहते, इधर देख शाही चाल। तो क्या जिल्ले इलाही एक बागी का कसूर मुआफ करने के लिए तशरीफ लाए हैं?
अबे मेरी आवाज कहां से निकल रही है बे? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। एक चाचू को बीच में घुसने की क्या जरूरत थी यार? भैया भैया देखिए ना, एक ही घर से अगर तीन तीन सलीम होंगे तो हमें ये रोल कहां से मिलेगा? अबे इलेश, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग कॉम्पिटिशन में से चाचू को बाहर निकाल देते हैं, बाद में हम लोग आपस में देख लेंगे। है? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मामू किसी तरह से आउट हो जाए ना, मजा आ जाएगा। तू जाके चक्कर चला ना। हाँ अभी जाता हूँ। जा, जा, जा। तकलिया तकलिया कहकर खुद निकल लिया। अब मामू बोलो। दुर्जन दुर्जन मामू, मैं बोल रहा था कि अगर एक ही घर में तीन तीन सलीम होंगे तो हम में से किसी को भी ये रोल नहीं मिलेगा। हाँ तो तू निकल ले ना। है? अब मामू, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग किसी तरह से अगर भैया को कंपटीशन से आउट कर दे तो आप समझ रहे ना, बाद में हम लोग देख लेंगे ना। है? हाँ बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो जाइए ना कुछ चक्कर चलाइए। तख लिया। मोहब्बत जो डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। ओए गुनाह यार, तुझे क्या लगता है कि तू कर क्या रहा है? रतू टोटे अब टोटू टोटू तोते। हाँ तू तुझे क्या लग रहा है, तू सलीम के डाले हुए से रटेगा तो तुझे सलीम का रोल मिल जाएगा? बेशक बेइंतहा बेपना। सुबह बेपना। सुन देख मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही घर से अगर तीन तीन लोग सलीम का ऑडिशन देंगे तो हो सकता है एक को भी ना मिले। तो आप निकल लीजिए ना। अरे इस बुढ़ापे में क्यों सलीम करना चाहते हैं आप? अजीज भाई से बात करके महाबली का रोल ले लीजिए। चुप कर, थप्पड़ मारूंगा तुझे। अरे इधर आना। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा करें कि इस कंपटीशन से हम लोग इलेश को आउट ही करते हैं, बाद में मैं और तू देख लेंगे ना। हाँ ना, तो जा चके बात कर उससे, बाद में मैं भी ट्राई कर लूंगा। बोल तकलिया। इलेश अब क्या हुआ, कुछ बात हुई? नहीं। अबे तेरी नहीं। मिस्टर बिजलानी आप कहाँ रह गए थे, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आपने नाइट में सनग्लासेस क्यों लगा के रखे हुए हैं? मैडम ये सनग्लासेस तो सिर्फ स्पाई के फील के लिए, आप मेरा काम देखिए। आज अगर मेरी दादी माँ जिंदा होती तो कहती टट्टू शाबाश क्या काम किया तूने, पहले ही दिन बाजी मार ली। I deserve the gallantry award. Mr. Bijlani, जब से आपने मुझे कॉल किया मुझे बहुत टेंशन हो गई। One minute, madam. Madam, मैं तो पहले ही आ जाता, लेकिन photographs develop करने में टाइम लगा। Madam, ये है 12 megapixel camera का कमाल। Madam, मुझे लगता है सर का इस लड़की से पुराना चक्कर है। They were very comfortable with each other. दो बार तो सर ने इस लड़की का हाथ भी पकड़ा। लेकिन मैडम लड़की बहुत खूबसूरत है, सर को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी का भी दिल आ सकता है। सॉरी मैडम, आई विल बी प्रोफेशनल, यू हैव टू सी इट। Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।